नमस्ते दर्शकों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ जो बृहस्पति देव है वो रेवती नक्षत्र में जा चुके हैं 24 फरवरी 2023 को, और इस नक्षत्र में रहेंगे, मतलब रेवती नक्षत्र में बृहस्पति देव रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। तो इस समय ये कैसा जाने वाला है और आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके साथ हो सकता है, इस बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, विचार विमर्श करूंगा इस समय। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो ग्रहों की स्थिति चेंज होती रहती है, तो ग्रहों की स्थिति को देखकर और बृहस्पति रेवती नक्षत्र को देखकर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस समय दुखी रह सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो दुख है आपके आँख से आंसू निकाल दे, या आँख से आंसू नहीं निकाले मगर आपका दिल रो रहा हो इस समय। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है जिंदगी में। आपको लगेगा कि आप इस समय अकेले पड़ चुके हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी प्रयत्नों के बाद, कोशिशों के बाद आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से आप बढ़ना चाहते हैं। आपके रिश्ते इस समय आपको धोखा दे देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय जो आपकी जो स्थिति रहेगी वो आपके मन मिजाज को खराब करेगी। देखिए, मन मिजाज खराब रहने से उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ दें, अपना प्रोफेशन छोड़ दें, अपना करियर छोड़ दें। ये मत करिएगा इस समय। आप डटे रहें जो भी आप करना चाहते हैं, और कोई भी परिस्थितियां आए आपके सामने आपको आपके काम में डटे रहना है। देखिए, जो आपके दुख दर्द होते हैं वो आगे चल के आपको मजबूत बनाते हैं। आपके जो आंसू होते हैं वो आपको आगे चल के मजबूत बनाते हैं जिंदगी में, और वो ही आंसू आपको आगे तक लेके जाते हैं जिंदगी में और आपको बड़ा बनाते हैं। तो इस समय जब बृहस्पति रेवती नक्षत्र में हो, आपको बहुत ही अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है। कोई भी गुस्सा ना करे इस समय, कोई भी अपशब्द ना कहे किसी से इस समय। और आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय क्या करना है आपको। देखिए, बुध जो है वो ज्ञान के कारक है और जो बृहस्पति है वो बुद्धि के कारक है। तो इस समय आपको अपनी बुद्धि से काम करना है, होशियारी से काम करना है। आपको कोई भी जो निर्णय लेना है लाइफ में, आपको अपने बुद्धि इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। किसी से भी सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन की करें इस समय, आप अपने मन की सुने इस समय और आगे बढ़े जिंदगी में। देखिए, खाली इधर उधर दौड़ने से, आगे पीछे करने से, हाथ पैर हिलाने से वो काम नहीं होता। काम वो होता है जो आप बुद्धि से करें। तो इस समय जो बृहस्पति देव है आपको बुद्धि देंगे। आपको दुनिया से ज्ञान अर्जित करके बुद्धि का इस्तेमाल करना है, या आज तक आपने जो भी ज्ञान हासिल किया है आपने अपने आप को बुद्धि से आगे बढ़ाना है। देखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत शारीरिक परिश्रम करें इस समय, जरूरी नहीं कि आप इधर उधर दौड़े भागे इस समय। अगर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह में करेंगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको सफलता मिलेगी। तो आप इसी चीज के ऊपर फोकस रखें, अपना ध्यान दें इसके ऊपर कि आपने जो भी काम इस समय करना है वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके करना है। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी कोशिश इस समय जारी रखें। कोशिश करने से ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। देखिए, अगर आप जहां पर है वहीं पे बैठे बैठे बोलेंगे कि मुझे यहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, और अगर आप अभी कोई भी परिश्रम नहीं करेंगे, मतलब अपनी कुर्सी से उठ के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे। इस समय आपको उठना पड़ेगा और कुछ हद तक
रास्ता खोजना पड़ेगा। देखिए, आपकी जो मंजिल है वो आपको अपने आप से ही ढूंढनी पड़ेगी और आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस पे आपकी मंजिल है। और जरूरी नहीं जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे चल के आपको अपनी मंजिल मिल जाए, जरूरी नहीं है। आपको इस समय दूसरे रास्ते भी देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक मंजिल के कई रास्ते होते हैं। तो अगर आपको एक रास्ते पे चलने से अपनी मंजिल नहीं दिख रही हो तो आप दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें, मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। और इस समय आप अपने मन को काबू में रखें, इस समय भावुक ना हो जाएं कोई भी परिस्थिति में। आपको इस समय अपने आप को मजबूत रखना है मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें इस समय। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और अगर आप कोई भी बड़ा खर्चा इस समय करने जा रहे हैं तो वो कृपया ना करें, क्योंकि नुकसान की संभावना बन सकती है। किसी के ऊपर भी इस समय पैसे को लेकर विश्वास ना करें। बस मैं ये ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब बृहस्पति रेवती नक्षत्र में हो, बुध के नक्षत्र में हो, और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और आपके जीवन की भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को ज्योतिष के थ्रू प्लान करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं उसके बारे में भी समाधान मेरे पास है। अगर आप अपने लिए पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो जरूर मेरे से संपर्क करें। बस यहीं पर मैं अपना वीडियो अब समाप्त करता हूं। जय माता दी, जय मां काली।